अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं एक मोटर बाइक का। ये सुजुकी की GD 110 है। ये आई तो 2021 में है, लेकिन इसको सुजुकी ने कहा है कि ये 2022 का मॉडल है। और इन्होंने बहुत हैवी किस्म के चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंजेस इसके स्टिकर का है और बाकी एक ब्लू कलर इन्होंने निकाला है, वो जो एक ब्लू शेड का कलर है, अच्छा कलर है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मेरा तो ग्रे कलर लेने का एक माइंड था, लेकिन मुझे ब्लैक मिला। खैर, इसका रिव्यू शुरू करते हैं। रिव्यू जैसे कि आपको पता ही होगा इस बाइक के बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें 110 इंजन है और उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसका बोर्ड स्ट्रोक ये वो। एक देसी बंदे को वो चीज़ें इतनी पता नहीं होती, तो वो बताने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। इसके अंदर किक भी दी जाती है और ये वैसे सेल्फ स्टार्ट है। और जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो आपके जो ये जो बैक साइड पे जो बंदा बैठता है उसके जो फुट रेस्ट हैं वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है। और जितने भी जो शॉक्स होते हैं, जो आपको खड्डे शड्डे आते हैं रास्ते में, तो वो आपको हर्ट नहीं करते, तो इजीली आप बैठ सकते हो। बाकी इसकी जो सीट है, सबसे मज़े की इसकी चीज़ है वो इसकी सीट है। इसका पोस्चर जो है वो बहुत मज़े का है, आप बिल्कुल भी नहीं थकते। और इसका जो आगे से इसकी जो लाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने हेलोजन बल्ब में एक लाइट दी है, अलॉय रिम्स दिए हैं। आफ्टर मार्केट से मैंने ये एक सेफ गार्ड लगवाया है और एक ये मिरर मैंने लगाया है, लेकिन इसको मैं उतार दूंगा क्योंकि मैंने ब्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं तो मुझे ये मसला करता है। उसके अलावा इसमें जो ये जो शॉक्स हैं ये आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको हाथ से भी पकड़ के इस जगह पर ला सकते हैं और ईज़िली दूसरी साइड पर भी सेम करके इसकी जो सस्पेंशन है उसको हार्ड या सॉफ्ट भी कर सकते हैं। बाकी जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो होंडा की बाइक से काफ़ी अच्छी है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसके हैंडल बार की तरफ आ जाएं तो आपको यहाँ पे इसका एक्सलेटर मिलता है, इंजन और स्केल इंजन स्विच मिलता है, और यहाँ पे इसकी लाइट ऑन ऑफ, पार्किंग लाइट मिलती है, सेल्फ स्टार्ट मिलता है बटन, यहाँ पर हाई लो का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें जो मुझे राइट लेफ़्ट का ये जो अच्छा ऑप्शन लगता है वो ये है कि अगर आपने इसको राइट कर दिया तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और लेकिन इंडिकेटर चलता रहेगा। जब आपने इसको ऑफ़ करना है तो आपने इसको जस्ट प्रेस कर देना है तो वो ऑफ़ हो जाएगा, और फिर आपने इधर इधर करना है तो भी आपने प्रेस कर देना फिर भी ऑफ़ हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अंदर आपको डिपर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि किसी भी बाइक में नहीं है, और ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन इन्होंने निकाला और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ये ऑप्शन लगा। एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जब आपने इसको लगाना है इस तरह करके तो आप इसका जो हैंडल लॉक है वो इसके अंदर ही लगा सकते हैं, जैसे कि आजकल की बाइक्स में आ रहा है, लेकिन होंडा ने माशाल्लाह अभी तक ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, तो वो इंसान का टाइम बड़ा वेस्ट होता है। पहले चाबी निकाल लो और उसके बाद आप इस इधर लगाओ, और वो अगर रात हो तो वो नज़र ही नहीं आता, वो बंदा चाबी ही मारता रहता है बीच। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी इसका साउंड देख लेते हैं। इस हमने यहाँ से इसका इंजन अगर ऑफ है तो ऑन कर लिया, और एक सिंपल सा टच करने पर ये ऑन हो जाता है। और इसका साउंड देख लेते हैं, साउंड इसका अच्छा है। अब एक छोटी सी राइड पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसी इसकी सस्पेंशन है और ये कैसा मज़ा देती है। तो गाइस, जैसे कि हम GD 110 का रिव्यू कर रहे हैं, तो अभी मैं इसकी छोटी सी राइड पे जा रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना अरसा हो गया है इस बाइक को लिए, ये मैंने बाइक किस तरह से ली है, और इसको लेने में मुझे क्या क्या मुश्किलात आईं, क्या क्या मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो शुरू करते हैं 2016 से। 2016 में मैंने डिसीजन लिया था कि मैं GD 110 लूँगा, लेकिन मैंने जिससे भी पूछा, मे भी उसको पता नहीं था इस बाइक के बारे में, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप 125 लो, उसकी रीसेल भी है, पार्ट्स भी सस्ते हैं, तो वो आपको तंग भी नहीं करता, ये है वो है। तो मैंने सबके कहने पे GD 110 नहीं लिया और मैंने 125 ले लिया। नो डाउट उसने मुझे बड़ा अच्छा मेरा साथ दिया, वो एक अच्छा बाइक है, निकलता बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका जितना एक शोर है वो एक बस उसका शशका ही है, वो इंसान को इंतहाई एंड वाले लेवल का थका देता है। और मेरा क्योंकि सफ़र ज़्यादा था मे बी इसलिए मुझे ज़्यादा फील होता था, लेकिन उसमें मुझे
तकरीबन 10-12 किलोमीटर आप सफ़र करते हैं तो ही आप थक जाते हैं उसके ऊपर। उसकी सीट इतनी हार्ड है कि वो आने वाले टाइम के साथ साथ और भी हार्ड होकर बैठ जाती है, तो आपको बड़ा मुश्किल होता है उसके ऊपर। तो 2016 में मैंने 125 लिया और उसके बाद मैंने तकरीबन 4-5 साल जब चलाया तो उसके अंदर मसला तो ऐसा कोई भी नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं थी। एक जो आवाज़ होती है जिसकी वजह से लोग लेते हैं, मुझे वही पसंद नहीं थी और मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं उसकी आवाज़ की वजह से भी, और दूसरी जो मेन चीज़ थी वो कम्फर्ट था, क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ सोसाइटीज़ के और मुख्तलिफ प्लेसेस को विज़िट करता हूँ तो मेरे चक्कर बड़ी बड़ी दूर लगते हैं, और मैंने क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता है तो मुझे उसके ऊपर वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी नज़र में यही बाइक था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना 125 सेल करूँगा और GT 110 लूँगा। फिर मैंने 125 सेल किया, तकरीबन वो 65,000 का सेल हुआ, और उसके बाद मैंने वो जो रकम थी वो मैंने GT 110 में एज़ अ डाउन पेमेंट दे दी, और ये जो मैंने बाइक है ये इंस्टॉलमेंट पे लिया है। और इसमें मुझे सुजुकी वालों ने काफ़ी मेरी एक जो फेवर की है वो टाइम पे बाइक दे दी है, जैसा कि उन्होंने कहा था उन्होंने टाइम पे बाइक दे दी। उन्होंने ज़्यादा जिस तरह शोरूम्स वाले जलील करते हैं वो नहीं किया। मैंने वहाँ पे तकरीबन 64,000 समथिंग दिया है, मैं यहाँ पे वो भी लगा दूँगा जो भी इंस्टॉलमेंट्स के इनके होते हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये जो इंस्टॉलमेंट पे आपको गाड़ी तकरीबन 10,000 महंगी पड़ती है, और 10,000 वो इन केस ऑफ मार्कअप नहीं ले रहे होते, वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस क्या के लेते हैं, लेकिन जो भी हो वो उनका एक प्रॉफिट है और वो ज़ीरो मार्कअप जो कहते हैं वो कहते तो ठीक है, लेकिन वो उनके डॉक्यूमेंटेशन की मद में वो आपको मतलब 0% मार्कअप कह के आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस का कह के लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जब मैंने इसको लिया तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक दो चीज़ें लगवाई, जैसे कि मैंने आपने पहले वीडियो में देखा होगा, और मैंने तकरीबन इसको 230 किलोमीटर चला लिया है और इसको अभी 3 दिन हुए हैं, क्योंकि मेरा घर भी ज़्यादा दूर है, मेरा आना जाना भी ज़्यादा है और मेरे ज़रा टूर्स भी होते हैं सोसाइटीज़ के, तो मेरा जो यूज़ है वो ट्रैवल का ज़्यादा है। इसका जो स्टार्टिंग का एक एक्सपीरियंस था मेरा बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल था, क्योंकि मैं 125 से डायरेक्ट इस पे आ गया। 125 के साथ इसका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो जो बाइक है वो एक फार्मूले के तहत बस बनाए जा रहे हैं, वो कोई अपडेट नहीं कर रहे चीज़ें, और बाकी उसकी रीसेल ज़रूर है लेकिन उसका कोई एज सच इसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी सीट इतनी सख्त है कि आप फैमिली के साथ अगर होते हैं तो आप तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको कहीं ना कहीं रुक के सांस लेना पड़ेगा, तो लॉन्ग टूर के लिए 125 बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके अलावा भागता है, आवाज़ है उसकी, शशका है उसका, ये ज़रूर है, लेकिन कंफर्टेबल और ड्यूरेबल अगर आप चीज़ें देखते हैं तो इसमें GT 110 में सिटी राइड बहुत अच्छी होती है। अब हमेशा की तरह थोड़ी सी इसकी बुराइयां कर लेते हैं इस बाइक की, तो इस बाइक की बुराई करें तो क्या करें, सबसे पहले सबसे बड़ी बुराइयां इसकी ये हैं जी कि ये महंगी बहुत है, ये तकरीबन 170 तक होनी चाहिए थी, क्योंकि जो एक चीज़ सुजुकी डिलीवर कर रहा है उसको थोड़ा सा अगर नीचे होता तो वो अपनी एक मार्केट यहाँ पर जमा सकता था, लोगों ने 125 बिल्कुल कट ऑफ करके इसकी तरफ आ जाना था, लेकिन उन्होंने प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा रखी है और 194 इसकी प्राइस है कैश में, और जो कि एक आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। 70 भी 1 लाख पे पहुंच चुकी है तो वो 70 ले लेता, वो कहता है यार 1 लाख बचाओ। दूसरी जो मुझे बुरी बात इसकी लगती है वो मैंने सुना था कि ये जो इसकी जो नीचे से इसका इंजन है वो ज़रा नीचे है, वो नीचे लगता है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सिनेरियो फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा वेट एक इतना ज़्यादा नहीं है, तो मे बी उस वजह से। बाकी इसकी फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो अभी तक मुझे कोई कंफर्म इसकी फ्यूल एवरेज नहीं पता चली, क्योंकि मैंने इसमें फ्यूल बल्क क्वांटिटी में ही डलवाया था पहले दिन, तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये टाइम के साथ साथ अगर मुझे आइडिया पता चला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। बाकी एक रफ़ आइडिया अगर मैं बताऊं तो ये 35 से 40 किलोमीटर करती है, ये सुजुकी वाले क्लेम करते हैं कि 40 से 45 करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बाइक है क्योंकि आपने इसको जब 60 से ऊपर लेके जाते हैं तो ये फ्यूल ज़्यादा खाती है, हर बाइक की तरह ज़्यादा खाती है, लेकिन एटलीस्ट ये उस तरह से आपको कम्फर्ट अगर दे रही है तो आपको ये दुखता नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्पीड
हल्की चलाते हैं, जिसे कहते हैं कि हल्के पांवों के साथ आप अगर इस बाइक को चलाते हैं तो आपको ये तकरीबन 50 भी दे देगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि ये 55 भी देता है। अभी ये जो मिरर है ये मैंने उतार देने हैं, क्योंकि ये वीडियो में आते हैं और मेरा काम सोसाइटीज़ का विज़िट करना है, जगह दिखानी है, तो मुझे ये थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, तो बाकी मैं इसको उतार दूँगा। एक बात जो रह गई है वो ये है कि इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो इसकी इंस्टॉलमेंट मैंने 24 माह में, मुझे ऑफ़र हो रही थी कि आप 24 माह की इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं, तो मैंने इंस्टॉलमेंट इसकी 20 माह में करवाई है, जो कि तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया फ़ी मंथ बनता है और आप इसको इजीली पे करते हैं। तो गाइस ये एक छोटा सा रिव्यू था हमारी इस बाइक के ऊपर। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और मैं इसके ऊपर एक और व्लॉग भी बना दूंगा, आपके उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूंगा। बाकी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या मैंने कोई गलत गाइडलाइन दे दी हो या कोई गलत बात कर दी हो तो आई एम रियली सॉरी। और बाकी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।